पढ़ाई के बारे में, कितना पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे फोरमैन का जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी कितनी होती है? जो फोरमैन का जो पोस्ट है दुबई के अंदर, कितना मार्केट में कितना जॉब मिलता है सिविल भाई? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक फोरमैन का जो अगर दुबई में काम मिल जाता है, जॉब मिल जाता है दोस्तों, तो फोरमैन का क्या सैलरी मिलती है, उसका फोरमैन का क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है, क्या क्या काम रहता है दोस्तों, फोरमैन का जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो क्या रहता है, और फोरमैन का जो फैसिलिटी रहती है वो क्या क्या रहती है दोस्तों, एक हमारे फोरमैन साहब से मिलाने वाला हूँ। तो गाइस, मैं हमारा एक फोरमैन से मिलाने वाला हूँ दोस्तों, जो फोरमैन का काम करते हैं हमारा कंपनी में। तो क्या क्या हाल है आपका भाई? ठीक है भाई। तो आपका नाम बता दीजिए हमारा दोस्तों। हमारा नाम सिबिल है। ओके। हम यहाँ पे एरन में काम करते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छा काम है। तो सिबिल भाई, आप कहाँ से? बेसिकली इंडिया किधर से? हम केरला में। केरला से? सिबिल भाई केरला से, और हमारे कंपनी में फोरमैन का जॉब करते हैं। तो सिबिल भाई, फोरमैन का जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? हर जगह में फोरमैन का दिमाग लाजिम चाहिए। आपने किधर भेजेगा, आपने किधर काम करने का डालेगा, काम का टाइम, काम का मैनेज करने के लिए पूरा ऊपर का फोरमैन को ऊपर आएगा। ओके, ऊपर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोरमैन के ऊपर आएगा। ओके ओके। तो साइट पे अगर आप काम कराते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक फोरमैन रहता है, जो कि हमारे फोरमैन साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप ये फोरमैन का जो पोस्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो पढ़ाई के बारे में, कितना पढ़ाई करना चाहिए? पढ़ाई नहीं चाहिए, थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए। दिमाग ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्टली पोस्ट में आते हैं तो पढ़ाई जरूर चाहिए। अगर किसी के चैनल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस पढ़ाई भी जरूरी है इसका मतलब। अब एक आदमी के साथ बात करना चाहिए, बड़ा बड़ा आदमी के साथ बात करना चाहिए, उसका कैसे काम ऐसे समझाना चाहिए। तो यहाँ पे दुबई में तो इंग्लिश और अरबी हिंदी चलता है, तो ये सब के लिए तो पढ़ाई तो जरूर चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब पढ़ाई मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्लस एक्सपीरियंस भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। यहाँ पे फोरमैन का जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी कितनी होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है कितने होती है? 2500, कभी कंपनी में 2500 देते हैं, कभी कंपनी को 3000-4000, एक एजेंट का डिपेंड करके। ओके, अच्छा वाला एक्सपीरियंस वाला ज्यादा मिलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस कमती मिलेगा। ओके, मतलब कि जो जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है ये फील्ड में, लोग के भी 4000-5000 ऐसे कुछ मिलने वाला है। 4000 दिरहम और 5000 के बीच में मिलने वाला है। और अगर स्टार्टिंग में अगर बात करें 2500 मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी। सर, आपके अंडर में कितना काम करते हैं अभी साइट में? साइट में भी हमारे कंपनी में भी ये कंपनी साइट में भी 10 आदमी काम करते हैं। ओके, आपका अंडर में ये साइड में 10 आदमी काम करते हैं। 10 आदमी तो उनका टाइम शीट लिखना, काम का अरेंजमेंट करना, करने के लिए किधर किधर भेजना चाहिए, लोग का काम किधर किधर भेजना, वो लोग बराबर काम करते हैं, सेफ्टी बेल्ट पहन का काम करते हैं। ओके ओके, और तो देखना चाहिए। ओके, उनका जो लेबर का सेफ्टी में भी आपको देखना चाहिए। यूनिफॉर्म पहना नहीं पहना, हेलमेट पहना कि नहीं पहना, सब देखना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट पहना कि नहीं पहना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, फोरमैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, और आप लोगों जो साइट का जो सिचुएशन है रिपोर्टिंग करते होंगे ऑफिस में, आपका सीनियर लोगों को वो भी तो रिपोर्ट करते होंगे ना, लाजिम करना चाहिए, लाजिम करना चाहिए। तो दोस्तों, फोरमैन का जो पोस्ट रहती है, मतलब अगर पढ़ाई की बात करें सिबिल भाई, तो मिनिमम कितना पढ़ाई होना चाहिए फोरमैन के पोस्ट में? पढ़ना ज्यादा पढ़े, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा मालूम होना चाहिए, थोड़ा आदमी के साथ कम्युनिकेशन करने का मालूम चाहिए, वो एक आदमी के एक एक आदमी का डिपेंड करके करता है। लेकिन जो मिनिमम अगर पढ़ाई है तो मिनिमम 10 क्लास भी पढ़ाओ, एकदम अच्छा दिमाग वाला आदमी भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर हम नया कंपनी में ज्वाइन होने के टाइम में, हमको इंटरव्यू लेने के टाइम में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई तो चाहिए, तो मतलब बायोडाटा पूछेगा, हम लोग बायोडाटा में क्या एक्सपीरियंस है, कितने किधर उधर काम किया, कितना सारा एक्सपीरियंस है, ऐसा डिपेंड करके काम कर रहे। तो लास्ट में सिबिल भाई, जो फोरमैन का जो पोस्ट है दुबई के अंदर, कितना मार्केट में कितना जॉब मिलता है सिबिल भाई? जैसे नॉर्मली देखेगा तो अगर एक्सपीरियंस वाला आदमी है, अभी दुबई में हर जगह में अभी एक्सपीरियंस वाला आदमी को जल्दी जॉब मिलेगा, दूसरा आदमी आएगा थोड़ा मिलेगा इंशाल्लाह, बस थोड़ा अच्छा कंपनी ढूंढेगा। ओके ओके।
अच्छा सैलरी मिलेगा, थोड़ा टेंशन है बस काम भी अच्छा है। ओके ओके, मतलब कि अगर जॉब नया सर्च करने जा रहे हैं तो मार्केट में फोरमैन का जो जॉब है थोड़ा नया के लिए थोड़ा फर्स्ट में कंपनी में भी नए फोरमैन बनाएगा, इसका रूल्स कैसे है, इसका काम कैसे, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाद में हर चीज ऐसा है। ओके ओके, थोड़ा सही आएगा। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद में मार्केट में जॉब फील्ड में बहुत ज्यादा मतलब ट्राई करेगा तो मिल जाएगा। तो दोस्तों फोरमैन का जो पोस्ट है, फोरमैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एवरेज जो सैलरी है दोस्तों, और उनका जो काम है मार्केट में जो जॉब मिलती है मतलब जॉब का जो सिचुएशन है वो सब बताया हमने सिविल भाई ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो में आपको कैसा लगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं कंपनी से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो चलता पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको जरूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।